मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है, बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप वन, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप टू, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। इस लिंक पर जाइए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता इसका मतलब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर जाइए, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप थ्री, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30-35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इन 4 चीजों को याद रखना, अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। बस इतनी सी जरूरत है, हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।